हेलो, गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर में हम लोग रिफ्लेक्शन ड्यू टू डबल स्लिट देख रहे थे। तो डबल स्लिट रिफ्लेक्शन ड्यू टू डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में डबल स्लिट में थियोरेटिकल अप्रोच हम लोग देख लिया, कहाँ मैक्सिमम मिलेगा, कहाँ मिनिमम मिलेगा। इसमें फ्रिंज विड्थ और जो स्पेसिंग बिटवीन द फ्रिंज है, स्पेसिंग बिटवीन द स्लिट, इन दोनों के चेंज करने पर जो फ्रिंज विड्थ है, फ्रिंज है, उस पर चेंजिंग आती है। ठीक है, तो ये जो चेंज यदि देखें तो जो फ्रिंज विड्थ है ई और डिस्टेंस बिटवीन द फ्रिंज विड्थ, इन दोनों के चेंजिंग से फ्रिंज का जो शेप है उसमें चेंज होगा, फ्रिंज के स्पेसिंग में चेंज होगा। इसको हम लोग देख सकते हैं, यदि ई को कांस्टेंट रखा जाए, ई को कांस्टेंट, ई मीन्स की फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ यदि कांस्टेंट रखें तो जो फ्रिंज है वो फ्रिंज की स्पेसिंग क्या होगी, चेंज होगी। कम होगी, यानी फ्रिंज जो होगा और क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है ना, व्हेन फ्रिंज जैसे बिकम इंक्रीजिंग द स्लिट विड्थ, स्लिट विड्थ यदि यानी ई चेंज करते हैं तो उस यदि ई चेंज करते हैं और डी को कांस्टेंट रखते हैं तो जो मैक्स सेंटर की जो मैक्सिमा है वो शार्प होगा, यानी उसमें शार्पनेस आएगी, यानी और ब्रॉडनेस कम होगी, शार्पनेस बढ़ती जाएगी। तो सेंट्रल पीक बिकम्स द शार्पर और ऐसे स्पेसिंग बिटवीन द फ्रिंजेस जो होगा वो क्या होगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। लेकिन यदि ई को कांस्टेंट रखा जाए और डी को वैरी कराए, तो डी यदि वैरी कराएंगे तो स्पेसिंग चेंज होगी, यानी स्पेसिंग डिक्रीज करेगा और फ्रिंज और क्लोज होता चला जाएगा, और क्लोज होता चला जाएगा, और क्लोज होता चला जाएगा, डी को बढ़ाएंगे। उसी तरह से जो मोनोक्रोमेटिक लाइट जो हम उस पर इंसिडेंट करा रहे हैं, वो यदि वेवलेंथ इंक्रीज किया जाए, तो वेवलेंथ यदि इंक्रीज करेंगे तो जो फ्रिंजेस है वो और क्या होगी, दूर हटेंगी, थोड़ा सा दूर और हटेंगी, यानी फ्रिंज के बीच की जो कह सकते हैं स्पेसिंग है वो क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है ना, तो इसके आधार पर कई बार ये पूछा गया है कि मिसिंग ऑर्डर ऑफ डिफ्रेक्शन पैटर्न, तो डिफ्रेक्शन पैटर्न में मिसिंग ऑर्डर निकलेगा यदि ई को कांस्टेंट रखें और डी को वैरी कराएं, तो इंटरफेरेंस के कुछ जो पैटर्न है वो इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होगा, मिसिंग होगी। जो हम लोग देख रहे थे कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या है, कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दोनों स्लिट के थ्रू डिफ्रेक्शन पैटर्न मिल रहा है और दोनों स्लिट से जो वेव चल रही है, जो रेज चल रही है, उस रेज के थ्रू इंटरफेरेंस पैटर्न मिले, तो वो इंटरफेरेंस पैटर्न क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। कौन कौन से इंटरफेरेंस पैटर्न गायब हो जाते हैं, यानी मिसिंग हो जाते हैं, ये कई बार एक इंटरव्यू में पूछा गया है। तो क्योंकि शॉर्ट टाइम क्वेश्चन आएगा तो सीधे पूछा जा सकता है कि कौन कौन मिसिंग ऑर्डर रहेगा, तो ये कंडीशन दे दिया जाएगा और उसमें पूछ दिया जाएगा कि मिसिंग ऑर्डर क्या रहे, तो वो मिसिंग ऑर्डर। अटेंडेंस आप लोगों का बहुत कम रह रहा है, एग्जाम तो होना ही होना है, फिर भी आप लोग क्लासेस नहीं कर रहे हैं। तो मिसिंग ऑर्डर ऑफ डबल स्लिट डिफ्रेक्शन पैटर्न, नेक्स्ट जो टॉपिक है मिसिंग ऑर्डर, मिसिंग ऑर्डर
ऑफ बबल्स के डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन पैटर्न, डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न की जो मिसिंग ऑर्डर है, इस मिसिंग ऑर्डर को निकाला जा सकता है। तो मिसिंग ऑर्डर कौन कौन सा होगा, मिसिंग कौन से पैटर्न है, इंटरफेरेंस पैटर्न की मिसिंग ऑर्डर होगी। डिफ्रैक्शन पैटर्न डबल स्लिट डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ ई, the value of E, then C digit, B digit, and D. And D equals spacing between spacing. direction of interference maxima is given by direction of interference maxima will be equal to p plus t sin theta equal to m lambda m plus minus m lambda, where m kya hai 0 1 2 3 and 4 hai na। Isi tarah se direction of maxima diffraction maxima kya hoga, diffraction maxima e sin sin theta plus minus m lambda, jahan n equal to kya hai, n equal to 1 2 ये मिनिमम ये मैक्सिमम के लिए होगा। इसी तरह से मिनिमम के लिए मिनिमम ये हो जाएगा m lambda e sin theta m lambda, एक स्लिट के लिए हो गया, एक दो स्लिट के लिए हो गया, एक स्लिट के लिए हो गया। When both condition are given equation 1 and equation 1 हो गया, ये equation 2 हो गया, both condition are given equation 1 and 2 are satisfied, as I'm going to use then the difference by the sum of this direction of the missing. So, from equation 1 and 2,
इस इक्वेशन वन और टू को डिवाइड किया जाए इक्वेशन और वन और टू डिवाइडिंग इक्वेशन वन एंड टू देन वी हैव डिवाइडिंग इक्वेशन वन एंड टू4 6 8 10 12 इस तरह के जो यानी
इवन 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 डिफरेंस पैटर्न का मिसिंग ये मिसिंग होगा ये गायब हो जाएगा इवन इंटरफेरेंस पैटर्न गायब हो जाएगा और आर इंटरफेरेंस और जो डिफ्लेक्शन पैटर्न है उससे जो क्या होगा फाइनल फ्रीज होगा ठीक है इक्वल टू बी है उस समय क्या होगा उसी तरह से दूसरा यदि दे दिया जाए equal to g by 2 हो जाए, g जो है b by 2 हो जाए, b के तो जगह पर g by 2 हो जाए, अरे 2 g बराबर b लिख सकते हैं, 2 g बराबर b, b equal to 2 e बन गए, equation में a equation हो गया, a equation हो गया, a 4 और a equation हो गया, a equation हो गया 5, a 5, अरे 2 equal to b लिख दिया जाए, तो 2 e पर तो b रखने पर क्या होगा इसमें रखते हैं तो 3 e then we get 2 e equal to b 2 e equal to b equation is c then we have तो n by n, n equal to 3, n equal to 4, 6, 3, 6 9 and so on order of different minutes by then इसके रात में लेकर रात में ये 5, 6, 9 ये सब आर्डर करने के लिए क्योंकि दो चीजें हमने एक बार प्रयास किया e को चेंज किया है e को चेंज करेंगे तो जो सेंटर का जो मैक्सिमा है वो उसकी क्या होगी ब्रॉडनेस कम होगी और इस सेंटर में जो इस तरह का लूंगा ये इस तरह का डिफ्लेक्शन पैटर्न मिला है सेंटर में और यदि हम e को बढ़ाए और d को कांस्टेंट रखें यदि d जो है e बढ़ेगा यानी फ्रिंज विड्थ बढ़ेगा उस कंडीशन में क्या होगा यानी फ्रिंज विड्थ बनेगा तो ये जो सेंटर जो मैक्सिमा है उसकी स्पेसिंग क्या होगी कम होगी यानी ये और साफ हो जाएगा यानी ऐसे जो डॉट था अब क्या हो जाएगा ये साफ हो जाएगा इस तरह और साफ हो जाएगा साफ हो जाएगा ब्रॉडनेस इसकी क्या होगी डिक्रीज करेगा और डी यदि कांस्टेंट है तो स्पेसिंग का कोई अंतर नहीं पड़ेगा अमित को दिया है डी यदि उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा तो स्पेसिंग चेंज नहीं होगी ठीक है ना यदि डी को चेंज किया जाए
और ई को कांस्टेंट रख लें, ई को यदि कांस्टेंट रखते हैं और डी को जब चेंज करेंगे तो डी जब चेंज होगा तो क्या होगा उसमें, यानी स्लिट डिस्टेंस बिटवीन दो स्लिट जब चेंज होगा उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो स्पेसिंग है ये स्पेसिंग क्या होगा और क्लोज होगी, और क्लोज होगी तो हमको यदि क्लोज हो जाएगी तो उसमें हम इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन का पैटर्न जो है उसमें अलग करने में समस्या आएगी, अलग नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अलग करने में समस्या आएगी यानी और कॉम्पैक्ट फ्रिंज बनेगा तो फ्रिंज को अलग अलग करके देखने में दिक्कत होगी, इसलिए रैले क्राइटेरिया यूज किया गया इसको अलग अलग करके देखने के लिए। तो रैले क्राइटेरिया उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पहले तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी बनाया, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी से अलग करके देखने का प्रयास किया गया तो अलग अलग फ्रिंज दिखाई देगा। ये मिसिंग ऑर्डर है, इसके बाद से आपके सिलेबस में जो है वो डिफ्रेक्शन ड्यू टू द एम स्लिट एंड डिफ्रेक्शन स्लिट, तो डिफ्रेक्शन ड्यू टू द एम स्लिट, डिफ्रेक्शन ड्यू टू द ग्रेटिंग या एम स्लिट। एम स्लिट का मतलब होता है ग्रेटिंग एक ऐसा डिवाइस है जिसे हम जो जो लाइट है उस लाइट का हम लोग क्या कर सकते हैं उसका वेवलेंथ निकाल सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो लाइट का व्हाइट लाइट है उस व्हाइट लाइट के डिफरेंट कलर का वेवलेंथ हम निकाल सकते हैं ग्रेटिंग। तो ग्रेटिंग बनाया क्या जाता है, कैसे जाता है, ग्लास प्लेट पर क्या करते हैं इक्वी डिस्टेंस उसमें डायमंड से कटिंग करके डायमंड से उसमें खींच दिया जाता है, यानी एक इंच में लगभग 5,000 से 6,000 लाइन ऐसे खींचा जाए कि एक एक में 5,000 से 6,000 लाइन उसमें खींची जा सके डायमंड से, डायमंड कटर से वो क्या हो जाएगा अपक्यू हो जाएगा, ठीक है। और बीच का जो दो जो लाइन है उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा स्लिट विच बन जाएगा। इस तरह से इसको रूलिंग करते हैं, रूलिंग के आधार पर कि पर इंच 5,000 से 6,000 उसमें हम लोग स्लिट बनाते हैं। इस तरह के ग्लास प्लेट पर यदि इतनी फ्रिंज बनी हो इसको हम क्या कहते हैं ग्रेटिंग कहते हैं। तो ग्रेटिंग जो है यन स्लिट है, इसमें यानी यन नंबर ऑफ स्लिट है, यन एपर्चर है, यन स्लिट से यदि हम वेव को जो लाइट वेव है डिफ्रेक्ट कराते हैं तो लाइट के डिफ्रेक्शन पैटर्न में ऐसा पैटर्न मिलेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न के साथ साथ डिफ्रेक्शन पैटर्न मिलेगा, एक कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न मिलेगा जिससे हम लाइट के वेवलेंथ को निकाल सकते हैं, अलग करके उसको हम लोग देख सकते हैं। तो एन अरेंजमेंट इसको देख लें कि ये क्या है, एन अरेंजमेंट कंसिस्टिंग लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल स्केल्स ऑफ सेम विड्थ, सेम चौड़ाई का हो, ऑफ सेपरेशन ऑफ इक्वल ऑब्ट्यूस स्पेस, इक्वल ऑब्ट्यूस स्पेस है इज नोन एज द डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग, इसको हम डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग कहते हैं। The grating are constructed by the equidistant parallel lines, equidistant parallel line on the transparent material such as glass plate. So glass plate diamond shape cutting करके उसको बनाया जाता है। ये इसको हम कहते हैं ruling. ये ruling हो गया। If slits are arranged in a plane, so it's known as the plane transmission grating. ये plane transmission ग्रेटिंग का प्लेन वेव के लिए जो वेव हम यूज कर रहे हैं वो वेव जो है प्लेन वेव है, तो प्लेन वेव है तो इसका मतलब इसको हम प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग कहेंगे। और इसके आधार पर हम देखें यन नंबर ऑफ स्लिट यदि बना ली, यन नंबर ऑफ स्लिट यदि अरेंज कर लिया जाए तो दिस इज द ग्रेटिंग, ग्रेटिंग इसके बाद Yes,
ये डिफ्रेक्शन और इंटरफेरेंस पैटर्न यहां से ये वेव फ्रंट से जा रहे हैं टी प्राइम पर डिफ्रेक्शन कैरिंग का क्या होगा पैटर्न मिलेगा यहां लेंस लगा हुआ है लेंस पैटर्न होगा यहां लेंस इस तरह से ये जो अरेंजमेंट है इसको हम करते हैं ये नंबर ऑफ स्लिट अरेंजमेंट ऑफ ये नंबर ऑफ स्लिट इज नोन एज द ग्रिड एन स्लिट है एक्स वाई ए स्क्रीन है ए स्क्रीन है एक्स वाई स्लिट है नंबर ऑफ यंग स्लिट्स यंग स्लिट बना हुआ है और कैसे बना हुआ है ग्लास प्लेट पर ये बना हुआ है ग्लास प्लेट पे तो ग्लास प्लेट पर कैसे बनाते हैं डायमंड द्वारा लाइट किया डायमंड द्वारा लाइट बनाया जाता है और कितनी डिस्टेंस लाइन होती है डिस्टेंस लाइन होने से इसको ग्रेटिंग कहते हैं यानी ग्रेटिंग एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम आने वाली जो व्हाइट लाइट में जो विजिबल लाइट है व्हाइट लाइट डिफरेंट कलर जो है डिफरेंट कलर है कलर क्या है डिफरेंट निकाल सकते विजिबल रेंज के जितने भी है उसके हम उसका वेवलेंथ निकाल सकते हैं ग्रेटिंग के थ्रू ठीक है ना तो ग्रेटिंग जो है इसका इसमें दो तरह के कैलकुलेशन होगा एक तो डिफ्रेक्शन यानी इसमें यंग स्लिट से पास हो रहा है यंग यंग टाइम्स जो है क्या होगा डिफ्रेक्शन होगा तो यंग टाइप क्या होगा फेज डिफरेंस होगा तो फेज डिफरेंस हमको निकालना है फेज डिफरेंस हम लोग निकाले थे वहां पर डेल्टा इक्वल टू 2 बीटा यहां क्या हो जाएगा यंग बीटा हो जाएगा ठीक है ना तो टू स्लिट के लिए 2 बीटा हुआ था उसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा एन बीटा हो जाएगा तो लेट अस कंसीडर ई इज द विड्थ ऑफ ईच स्लिट एंड डी इज द विड्थ बिटवीन द क्यू पार्ट तो दोनों के बीच का जो है वो ई हो गया स्मॉल जो जहां से लाइट पास होके जा रही है ई है और दो जो विथ है उनके बीच की जो दूरी होगी वो स्पेसिंग है डी है ई प्लस डी को ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं ये जो है यहाँ से ई प्लस डी जो है इसको ई प्लस डी इसका ग्रेटिंग एलिमेंट एलिमेंट इसको हम लोग ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं ये ग्रेटिंग एलिमेंट होगा ई प्लस टी जो है ग्रेटिंग एलिमेंट कहलाता है दोनों में आप जो है डेल्टा कंसिस्टेंस बाहर है और ग्रेटिंग देन ई सी सेंड टू द सेकेंडरी वेवलेंथ यहां से सेकेंडरी